खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त घमासान छिड़ी है। एक ओर जहां बीजेपी सड़कों पर उतरकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी तक की मांग की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर जहां केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। कल दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता आईटीओ के पास जमा हुए, जहां से वो आम आदमी पार्टी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया और बैरिकेड तोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। केजरीवाल सरकार की शराब नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बर्खास्तगी की मांग की है। वहीं दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर एक बार फिर केजरीवाल सरकार की परेशानियों को बढ़ा दिया है। दरअसल वकीलों और दिल्ली वासियों की शिकायत पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई शराब नीति पर एक और जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि इस जांच आदेश से पहले ही दिल्ली की एलजी विनय सक्सेना केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं।